गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली नो आंसर फॉर इट। कैन यू प्लीज हेल्प मी टू पुट दावा फॉर वैष्णो देवी एंड क्लियर माई कॉन्सेप्ट ऑल्सो। थैंक यू। दीन का सवाल अगर मैं सही समझाऊँ, आपने कहा कि आप दावा करते हैं इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको ज्यादा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूँ? आपका सवाल क्या? उनके मानने वालों, मानने वालों, क्योंकि आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें। वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा एक हिस्सा था, खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उनको मिलता है दूसरी किताबों, जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है, लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है, ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मजहब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके में तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्ष, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है, पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या असम्मुति उपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो, या पत्थर को तराशते हैं। ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके उस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज हो या धरती की चीज हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।